बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया के सामने हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। चुकी है तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज। और इसके साथ साथ जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही हैं, विच इज लीडिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, राइट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये सब चीज़ों का एक असर पड़ा है। और इसलिए एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। दूसरा विषय है गुड गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर गुड गवर्नेंस के कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सके, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के क्या जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में 28 लाख करोड़ रुपए हैव बीन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरीज राइट इन टू देयर अकाउंट्स एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू सी टू इट, वी हैव बीन एबल टू ब्लॉक चेक द लीकेज ऑफ 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है जिसके कारण एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है। और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस के दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यह हम सब लोगों को देखने को मिली है जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है।
और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहाँ मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी, और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकॉनमी एंड इट इज़ द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोब ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक NDA के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक UPA का सवाल है और ये जो अपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमती का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के UPA के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years of non-governance, corrupt government, corruption, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक 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 जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में NDA रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार NDA की सरकार बनाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं 24 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। NDA जिसका ग्राफ और स्कोप दोनों बढ़ रहा है, 38 पार्टियां NDA में शिरकत कर रही हैं और वहीं विपक्ष के महागठबंधन को सीधे सीधे स्वार्थ की राजनीति करार दिया जेपी नड्डा ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का हमारे साथ शो में जुड़ने। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज़ पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।